मैं जूनागढ़, यहाँ पर जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है संगीत उत्सव, जिसका नाम है गिरनार महोत्सव। इस महोत्सव में आज हम 5 कलाकार हैं जो पखावज की प्रस्तुति देंगे, जिसमें उपेंद्र कुमार शर्मा जी है नाथद्वारा घराने से, और उत्कर्ष मालवीय ये वासुदेव परंपरा से है, और मैं खुद मनोज सोलंके कुदो सिंह घराना मृदंग मर्सी स्वामी पागलदास जी परंपरा, और एक हमारे और भाई है पखावज वादक जिनका नाम है जयवंत गायकवाड़। और कुदो सिंह घराने के ही एक और पखावज वादक ऋतुराज भोसले जी। हम 5 लोग मिलके यहाँ गिरनार महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं, जिसमें हम 4 ताल बजाएंगे, और ये अनोखा प्रोग्राम हो रहा है। 5 पखावज अलग अलग घराने के अलग अलग स्टाइल से सब बजाने वाले, और होनहार पखावज वादक सब एक जगह पर आकर इस महोत्सव में अपनी सेवा प्रस्तुत करेंगे। पखावज के बारे में तो शुरू से ही अच्छा वर्णन रहा है। आजकल की स्थिति कहीं पखावज थोड़ा सा कहीं देखने को मिलता है, कहीं नहीं देखने को मिलता है। इसका कारण ये है कि पखावज के प्रति लोगों का रुझान कम होते जा रहा है। इसमें पखावज वादों को थोड़ा ध्यान रख के इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और पखावज वादों को इसके लिए ऑडियंस अपने तरफ आए इसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा उनका एंटरटेनमेंट बना रहे और पखावज की गरिमा भी बनी रहे, और प्रस्तुतिकरण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये मेरा मानना है। तब पखावज पहले जैसा और आगे आएगा और अपने ऊंचाई को छू लेगा। पखावज के प्रति इंटरेस्टेड तो है, पर इसको धीर गंभीरता के साथ बजाने, मतलब बजाना सीखने के लिए इसको रियाज काफ़ी लगता है, क्योंकि ये पूरा पंजे से बजता है ये वाद्य। इसकी थापी बहुत कठिन है, तो इसको मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए, और धैर्यतापूर्वक अगर इसको कोई सीख लेगा तो वो अपने आप पखावज वादक बनेगा। और जिस भी विद्यार्थियों में धैर्यता है और अपने गुरु के प्रति निष्ठा है, वो इसको सीखेगा और रुझान करेगा। नई पीढ़ी में इसको बजाने के लिए हम लोग है आगे आ रहे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी कुछ नए लोग आ जाए और इसको और आगे ले जी। पहले शुरू में कहा जाता था कि पखावज ये मर्दानी वाद्य है, इसको केवल मर्द ही बजा जाते हैं, मतलब मर्द ही बजा सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले भारत की पखावज वादिका चित्रंगना पंतागले, इन्होंने अपना पखावज में नाम रोशन किया है और अच्छा बजाते हैं, और हमारे सीनियर पखावज वादिका है। और कहा जाए तो आजकल और भी नई लड़कियां हैं, जिसमें महिमा उपाध्याय है, अनुजा बरोड़े है, और भी कुछ नई लड़कियां इसमें पखावज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, और पहले से पखावज अभी और थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। ये संगीत ए खरेखर साचा अर्थ में आपने तो समझी सकी है, कारण के नरसिना संगीत नरसिना केदारा थी जूनागढ़ में 52 वक्त कृष्ण भगवान पधारेला, आवा नरसिंह मेहताना जूनागढ़ शहर ने आवी सुंदर कलाकृतिओ जारे मळी रही छे त्यारे आप सौ ने अने कलाकारों ने खूब खूब अभिनंदन।